नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक दुबे और आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल वर्ड पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप अपने डेली लाइफ में इंटरनेट डाटा का इस्तेमाल करते होंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप जब कोई अपना काम शुरू करने जाती हैं या आप अभी शुरू करने वाले हैं या अभी आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसकी शिकायत होगी, ये आप इससे परेशान भी होंगे कि आपका इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसका रीजन क्या है, आखिर इसका कारण क्या है कि आपका इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, आपके इंटरनेट डाटा की पैक बहुत जल्दी खत्म होता जा रहा है, इसका रीजन क्या है? तो आज मैं इसका सलूशन लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आता है वीडियो, आपको ये सटीक पूरी समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा वरना डिसलाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी किया है, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलते हैं सबसे पहले अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर और जानते हैं इसका, जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका इंटरनेट डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। आज मैं इसकी सेटिंग लेकर आया हूँ या कहें इसका ट्रिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में कहीं पर भी आप स्टोर करके रखे होंगे व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को आप सबसे पहले ओपन कर लीजिए। जैसा कि मेरा आप देख सकते हैं, मेरा पहले से ही ऑलरेडी ओपन है, तो व्हाट्सएप आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा थ्री डॉट्स आपको दिखाई दे रहा है ऊपर सर्च आइकन के जस्ट बगल में, यहाँ आप इसे प्रेस कर लीजिए। जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको इसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे यानी प्रेस करेंगे इसे, तो चौथे नंबर पर आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है डाटा एंड स्टोरेज यूसेज, इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे, इसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आप तीसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, इसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर चारों स्थान पर, यानी फोटोज़ पर हो गया, ऑडियो पर हो गया, वीडियो पर हो गया, डॉक्यूमेंट पर हो गया, यहाँ पर देखिए सभी चारों चीज़ों पर, सारे स्थानों पर सभी टिक हैं, यानी ऑलरेडी पहले से ही ऑन है, तो इसे आपको बंद करना है। तो चलिए बंद करते हैं, फ़ोटो बंद कर दिया मैंने, ऑडियो बंद कर दिया और वीडियो भी बंद कर दिया और डॉक्यूमेंट, इन चारों चीज़ों को मैंने ऑफ कर दिया और इसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। अब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कोई इमेज हो गया, फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, सेंड किया आपके पास, तो पहले ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता था, लेकिन अब क्या होगा, जब चाहेंगे कोई आपके फ्रेंड ने फ़ोटो भेजा तो आप जब उसे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तभी ये डाउनलोड होगा, अन्यथा डाउनलोड नहीं होगा। तो सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर में, इसे प्रेस करेंगे तो ऊपर की तरफ थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट दिखाई दे रहा है आपको, इसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ नीचे की तरफ देखिए देख सकते हैं आप सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स का, ध्यान से सुनिएगा, सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स को आप प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर है ऑटो अपडेट ऐप, इसे आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर देखिए दिखाई दे रहा है आपको ओवर एनी नेटवर्क, दूसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है आपको ओवर वाईफाई ओनली, तीसरे स्थान पर दिखाई दे रहा है आपको डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स, इसे आपको प्रेस कर देना है तीसरे नंबर पर डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स और फिर डन कर। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह सेटिंग्स पसंद आई होगी, यह ट्रिक्स आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज होगी हुई हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा भी बजा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे सटीक आप तक जरूर पहुंचेगा। कॉस पहुंचेगा, अगर घंटा बजाओगे नोटिफिकेशन बेल बजाओगे तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, आगे की बात है जो मैं भूल चुका था, लेकिन अब जल्दी से होश आ गया, माइंड में आ गया मेरे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये है, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में, दोनों में आप पहले वीडियो दोनों देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
सारी वीडियोस को आप पहले देख लीजिएगा और इस वीडियो में इन दोनों में आप मुझे कंपैरिजन बताइएगा। ये एक क्वेश्चन है, इन दोनों में आप वैसे आप समझेंगे कि इससे मुझे भला क्या, मतलब इससे क्या होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए जो मैंने इससे पहले अपलोड की है, उन वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा पूरा और इस वीडियो का पूरा देखिएगा। इन दोनों वीडियो को आप देखने में आपको इस वीडियो में क्या आपको अंतर दिख रहा है, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स को ज़रूर देखूंगा और कमेंट में आपको ऐसे आंसर देना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे जाना है और आपको सबसे पहले आपको वीडियो के बारे में बताना है कि आपको वीडियो में जैसा कि मैंने आपको सेटिंग्स बताया, क्या ये सेटिंग्स आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप बताइएगा, समझ में आया तो भी आप बताइएगा। और आपको आंसर कैसे देना है, जो क्वेश्चन बोला उसका आपको आंसर देना है। आंसर देने के साथ साथ आपको नीचे अपना मोबाइल नंबर देना है, जैसा होगा जो ये क्वेश्चन का सही सही आंसर देगा वो मैं कल जब लाइव आऊँगा यानी संडे को जब मैं लाइव आऊँगा 12 से 1 बजे, इस समय उस बंदे का नाम जो सही सही आंसर दिया है उसी लाइव में जब मैं आपसे बातें करूँगा तो उसी समय उस बंदे का नाम मैं शुरू में उस बंदे का नाम बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।